आदाब नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद शौकीन और आप देख रहे हैं सहारनपुर न्यूज। पेश है आज दिन भर के समाचार। सहारनपुर में नगर निगम ने एक नई पहल करते हुए नवादा रोड स्थित कान्हा उपवन गौशाला में रविवार को एक भव्य आयोजन के साथ गोपाष्टमी का पर्व मनाया, जिसमें योग गुरु पद्मश्री भारत भूषण, मेयर संजीव वालिया व नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह सहित शहर के अनेकों चिकित्सकों, उद्यमियों, व्यापारियों, समाज सेवियों व अन्य गणमान्य लोगों ने गायों को गुड़ व केले खिलाकर उनकी आरती उतारी और गौ माता से अपने परिवार की सुख समृद्धि का वरदान मांगा। सहारनपुर के अंबाला रोड स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर रविवार को समाजवादी पार्टी के संरक्षक व पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के जन्मदिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष चौधरी रुद्र सेन, नगर विधायक संजय गर्ग व अन्य पदाधिकारियों द्वारा केक काटकर मुलायम सिंह यादव की लंबी उम्र की कामना की गई। आज हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिन के अवसर पर हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। वास्तव में किसान घर में पैदा होकर जिस तरह से उन्होंने किसानों की, मजदूरों की, मजलूमों की, वंचितों की, व्यापारियों की लड़ाई को अपनी लड़ाई समझकर समाजवाद के सपने को साकार करने के लिए जो जुझारूपन के साथ लोगों को जोड़ने का काम किया, उसी का नतीजा निकला कि वो तीन बार मुख्यमंत्री बने और 1992 में समाजवादी पार्टी बनाकर उन्होंने एक ऐसे विचारधारा की शुरुआत की निश्चित रूप से, जिसने न केवल नौजवानों को बल्कि उन तमाम वंचितों को आंदोलित कर अपने पीछे जोड़ने का काम किया। आज उन्हीं के सपनों को साकार करते हुए हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि उन्हें ईश्वर दीर्घायु प्रदान करे, उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और समाजवाद की जो लौ उन्होंने यहाँ जलाकर अलख जगाने कर नौजवानों को एक नया रास्ता दिखाने की कोशिश की, निश्चित रूप से उस रास्ते पर चलते हुए हम सब मिलकर इस बात का संकल्प भी लेते हैं कि हम 2022 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष वे वरिष्ठ नेता फैसल सलमानी ने अन्य कार्यकर्ताओं के साथ जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में टीम FBD के सहयोग से रक्तदान किया और नेता मुलायम सिंह यादव की लंबी उम्र की दुआ की। बनाने का काम कार्यकर्ता कर रहे हैं। आज माननीय मुलायम सिंह यादव जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने सबसे कहते हैं कि रक्तदान महादान, तो हमने अपने कार्यकर्ताओं के साथ में, अपने लोगों के साथ में यहाँ पर रक्तदान करने का काम माननीय नेताजी के जन्मदिन पर किया है और इसी के साथ हमने संकल्प लेने का काम किया है कि 2022 के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम 2022 के अंदर आज हमने संकल्प नेताजी के जन्मदिन पर संकल्प लेने का काम किया। सहारनपुर की थाना मंडी पुलिस द्वारा हिल्लो वाली गली रिजवान के मकान से अभियुक्त अजीम, आनंद, गुलनवाज, राशिद, रिहान व शाहरुन को 21,000 रुपये नकद व 52 ताश के पत्तों के साथ जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया है। सहारनपुर की थाना मंडी पुलिस ने गश्त व चेकिंग के दौरान निसार रोड से एक अभियुक्त अमजद उर्फ भोलू को आधा किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया है।
सहारनपुर में रविवार को भेंट अड्डे स्थित एक सभागार में सहारनपुर के कलाकारों द्वारा निर्मित सांस्कृतिक वार्ता कार्यक्रम खुल के बाद संदीप के साथ को लेकर आयोजकों द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें संदीप शर्मा ने बताया कि ऐसा पहला कार्यक्रम है जो सहारनपुर में ही निर्मित है तथा जिसे सहारनपुर के ही कलाकारों द्वारा बनाया गया है। कार्यक्रम समाज के प्रेरणादायक व्यक्तियों से उनके अनुभव, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और व्यक्तिगत विचार तथा उनके योगदान पर वार्ता पर आधारित है। आयुष्मान एंटरटेनमेंट्स प्रस्तुत कार्यक्रम खुल के बाद संदीप के साथ OTT चैनल पर जाने वाला सहारनपुर से पहला कार्यक्रम है। आज तक OTT चैनल पर कोई कार्यक्रम सहारनपुर से बनकर नहीं गया है, तो ये सहारनपुर के लिए एक अपने आप में बहुत अच्छी उपलब्धि है कि वहाँ पर इस कार्यक्रम को हम लोग को प्रसारित करने का मौका मिला है। और इस कार्यक्रम के जरिए हम लोग सहारनपुर के उन व्यक्तित्वों के बारे में जान रहे हैं जिनके कृतित्व के बारे में हम सब लोग पहले से ही जानते हैं, यानी उनके काम के बारे में, लेकिन वो क्या हैं, क्या सोचते हैं, उनकी सामाजिक, साहित्यिक, व्यक्तिगत और सांस्कृतिक सोच क्या है, इस कार्यक्रम के जरिए हमने वो समाज के सामने रखा है ताकि लोग उनसे प्रेरणा लेकर उसी तरह के काम करें और समाज में अपना नाम रोशन करें। तो हमारी टीम के साथ यही हम लगातार लगे रहेंगे कि इस तरह के अच्छे कार्यक्रम हम लोग लगातार प्रस्तुत करते रहें। सहारनपुर की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल सहारनपुर न्यूज में सहारनपुर तक को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।